स्वागत है ज्ञापन एकेंड में। और आज का यह नया वीडियो जो कि है जर्मनी का एकीकरण, हम लोग यहाँ जानेंगे कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। एकीकरण का मतलब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जब इटली को एक किए थे, इटली भी अलग अलग टूटा हुआ था और इसको भी हम लोग एक किए हैं, वैसे ही जर्मनी भी अलग अलग प्रांतों में टूटा हुआ था, अलग अलग क्षेत्र में टूटा हुआ था, इसको भी एक हुआ है। और ये कुछ ज़्यादा ही क्षेत्र में टूटा हुआ था, लगभग जर्मनी को अगर हम देखें तो एकीकरण से पहले ये, जब ये जर्मनी एक नहीं हुआ था, ठीक है, तो लगभग ये 300 छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था, 300 क्षेत्रों में टूटा हुआ था। इसको एक करने में बहुत ही मेहनत लगा। अच्छा, एक लोग कैसे होंगे, जब उनको परेशानी होगी और वो परेशानी एक दूसरे को शेयर करेंगे और शेयर करेंगे, एक दूसरे से अपना दुख दर्द बांटेंगे, तो उनका सपोर्ट करेंगे, वो उनका, इस तरह से पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करके जो उनको प्रॉब्लम दे रहा है उनको प्रॉब्लम में डालेंगे। यानी कि जो राजा या महाराजा कोई भी प्रॉब्लम दे उनको, हम लोग क्या करेंगे, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और आवाज़ उठाने के बाद से राजा को भगाएंगे और हम लोग एक हो जाएंगे। और जब एक होंगे तो सोचेंगे कि इसका कुछ नाम दे दे, इस क्षेत्र का नाम दे दे। जैसे होता क्या है कि 10-20 को जब कहीं पे घर हो जाता है और उसको एक जगह हम मिला लेते हैं, उसको एक गाँव बना देते हैं, और जब सारा घर एक होता है, यानी सारा घर का एकीकरण हो जाता है, एक हो जाता है, तो उसका हम लोग एक गाँव का नाम दे देते हैं। वैसे ही जर्मनी बहुत सारे इलाकों में टूटा हुआ था, छोटे बड़े राज्यों में, उसको एक करना था और एक करने में बहुत ही लोगों की भूमिका है, अकेले जर्मनी एक होना संभव नहीं था। उसमें हुआ क्या, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट की थी। नेपोलियन बोनापार्ट जब उस समय फ्रांस का राजा था और उसके वजह से सबसे ज़्यादा लोगों में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। जब वो जर्मनी में और दो जगह सबसे ज़्यादा वो चढ़ाई की, इटली और जर्मनी, उसी के वजह से इटली भी एक हुआ। अगर यूँ कहें तो अगर वो उसके वजह से राष्ट्रवाद उत्पन्न नहीं होता तो कभी भी जर्मनी और इटली एक नहीं होता। वो किया क्या, उसके प्रभाव से लगभग 300 जो राज्यों में टूटा हुआ जर्मनी है, उसके प्रभाव से 39 राज्य यानी 39 राज्य बन के रह गया। उसके बाद से वो अगर रहता तो बहुत पहले जर्मनी एक शायद हो गया रहता, लेकिन वियना की संधि, जब नेपोलियन की हार हुई और वियना की संधि हुई, वहीं पे जर्मनी का एकीकरण रुक गया और इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट हार गया। अब 39 राज्य को एक करना था और एक करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मान लीजिए कि 39 अगर राज्य है तो उसमें सब कोई अलग अलग प्रांत का राजा होगा, और कोई क्यों चाहेगा कि हम अपना राज छोड़ करके एक होकर के वहाँ का कोई एक एक गो राजा रहे, तो ये तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी जर्मनी के एकीकरण में बहुत लोग फिर भी यहाँ पे आए और इसको एक करने की कोशिश किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की है। सबसे पहले हुआ क्या, जर्मनी एक हुआ 3 युद्ध के हिसाब से, 3 युद्ध हुआ और जर्मनी एक हो गया। ये युद्ध कैसा था, किस प्रकार का छल कपट का यूज़ किया गया, किस प्रकार का यहाँ पे यूज एंड थ्रो का फॉर्मूला अपनाया गया। यूज एंड थ्रो का मतलब हुआ जिससे काम है तब तक काम लेते रहो, जैसे ही उसका काम निकला उसको पीट करके भगा दो, यहाँ पे वही इस्तेमाल किया गया, कल बल छल। सबसे पहले जर्मनी को, जर्मनी जब अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था तो बहुत कमज़ोर वहाँ का, मतलब बहुत ही कमज़ोर क्षेत्र था, और उस जर्मनी में एक थोड़ा सा और सब राज्यों से मजबूत क्षेत्र था, वो प्रसा था, जिसका राजा विलियम प्रथम था। विलियम प्रथम थोड़ा सा अच्छा राजा था, इससे पहले जो विलियम फोर्थ राजा था वो अच्छा राजा नहीं था, वो कभी भी एक जर्मनी को एक नहीं देख सकता था, एक होना। जब विलियम प्रथम आया तो वो सोचा कि जर्मनी एक हो जाए, वो अपने प्रधानमंत्री से बात किया जो पहले था, तो वो इसमें उतना मन नहीं देता था उसको एक करने में, क्योंकि वो पुराने राजा का मंत्री था, तो सोचा कि इस तरह काम नहीं बनने वाला है, हमको एक नए प्रधानमंत्री की ज़रूरत है जो कि चाहे कि जर्मनी एक हो जाए और अपना दिमाग कुछ अलग लगाए। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को एक ऐसे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया, यानी कि अपने प्रधानमंत्री को बनाया जो बिल्कुल इसी की तरह सोचता था, और वो भी जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी रुचि रखता था, जिसका नाम था बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क नाम था। बिस्मार्क किया क्या, सबसे पहले वो विलियम प्रथम को बोला कि सबसे पहले हम लोग कमज़ोर हैं और अपने राज्य को मजबूत करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले प्रसा के सैन्य शक्ति को और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, यानी कि अपनी सेना को में मजबूती लाई, और जो भी आर्थिक स्थिति यहाँ पे रुपया पैसा उस हिसाब से अपने जर्मनी को, उस समय जर्मनी अभी नहीं बना था, प्रसा ही था, बाद में जब सब एक हुआ तो उसका नाम जर्मनी रख दिया गया। तो सबसे पहले प्रसा का पूरा स्ट्रांग किया, उसके बाद रणनीति रचना शुरू कर दिया। बिस्मार्क का एक रूल था कि अगर हमको कोई लड़ाई जीतना है, अगर किसी के पैर भी पड़ना हो ना तो हम पैर पड़ जाएंगे, लेकिन अब अगर हमको जीतना हो तो, और जैसे ही काम निकल जाए तो उसको भी छोड़ देंगे। वही काम बिस्मार्क किया,
उसको डेनमार्क को हराना था, डेनमार्क का प्रभाव भी था, डेनमार्क को हराने के लिए वो जा करके ऑस्ट्रिया से मिला और ऑस्ट्रिया से मिल करके उसके साथ रणनीति रची कि हम लोग डेनमार्क को हरा देते हैं और उसका जो भी क्षेत्र है ठीक है उसमें एक तुम ले लेना, दो क्षेत्र हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं सेल्सविक और होलस्टीन, एक तुम ले लेना और एक हम ले लेंगे। ऑस्ट्रिया शुरू से ही किसी न किसी पर राज करने में उसके अंदर बेचैनी रहता था, वो चाहता था कि सब मेरा ही हो जाए। ऑस्ट्रिया मान गया बात और यहाँ पे दोनों ने मिल करके, जहाँ दो बड़े बड़े देश मिल करके अगर एक देश को से लड़ाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मजबूत देश दो है, इधर जीतेगा ही जीतेगा। बेचारा डेनमार्क बुरी तरह से हार गया, यहाँ देख सकते हैं 1864 में डेनमार्क बुरी तरह से हार चुका है और हारने के बाद से वहाँ पे एक संधि हुई। संधि कौन है, जब डेनमार्क हार गया और हट गया तो ये दोनों राज्य एक जगह बैठा, कौन, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये दोनों ने बात किया ठीक है कि एगो तुम राज्य ले लो, एगो हम राज्य ले लेते हैं। और वो जो बैठक था ना, जो संधि हुआ दोनों के बीच, उस संधि का नाम था गैस्टीन की संधि। यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस्टीन की संधि, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उस संधि में सेल्सविक प्रसा के हाथ लगा और होलस्टीन ऑस्ट्रिया के हाथ लगा, यानी कि एक पर प्रसा राज किया और एक पर ऑस्ट्रिया। लेकिन बिस्मार्क का प्लानिंग बहुत आगे तक था, उसको तो एक भी राज्य किसी को देने का विचार नहीं है ना, क्योंकि सबको एक करके ठीक है और एक करके जर्मनी का एकीकरण करना चाहता, मतलब सबको एक करना चाहता था। इसको नाम के लिए सिर्फ दिया, कोई रिटेन कहीं नहीं लिखा गया कि आपको हम होलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे रहे हैं ठीक है और प्रसा के कब्जा में सिर्फ सेल्सविक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे ही मुंह से ओरली बोल दिया कि ठीक है आप लोग, मतलब ऑस्ट्रिया को हमने होलस्टीन दे दिया, ऑस्ट्रिया को लगा कि ये मेरा हो गया ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में हुआ क्या कि जो आपका बिस्मार्क था, उन्होंने दिमाग लाया कि इस तरह से चलो हमारा, हमको तो मिल गया यहाँ पे प्रसा, अब ऑस्ट्रिया के हाथ से होलस्टीन हम लोग कैसे लेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया के साथ भी एक बार युद्ध करना पड़ा। वो बोला कि एक काम करो, हम तुमको होलस्टीन नहीं देंगे। वो कब बोला, देखिए होलस्टीन में सबसे ज़्यादा लोग प्रसा के थे ठीक है और वहाँ प्रसा का ही, मतलब प्रसा के ही क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा थे। तो एक बात बताइए, और यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया काफ़ी दूर का था और दूसरे जगह से आ करके और यहाँ होलस्टीन पर राज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर आप दूसरे जगह कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे अपना अधिकार जमाइएगा, जिस दिन उन लोगों का मूड खराब होगा ठीक है, पीट करके थूर थर के आपको भगा देगा ठीक है। वैसे ही हुआ, ई प्रसा के जो प्रधानमंत्री था बिस्मार्क, वो बोला कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे उकसा देते हैं लोगों को होलस्टीन, क्योंकि प्रसा सबसे ज़्यादा प्रसा के लोग ही इसमें होलस्टीन में थे, उकसा दिया ऑस्ट्रिया के खिलाफ, अब यहाँ पे पूरा का पूरा विद्रोह मच गया। इसके हैंड, मतलब हैंड में नहीं आ रहा था, लोग काफ़ी ये प्रेशर दे रहा था ऑस्ट्रिया की, उन लोगों के मतलब जो भी राष्ट्रवाद उत्पन्न उसको दबाएं, और उसका इसका सपोर्ट प्रसा कर दिया कि जब मान लीजिए कि प्रसा के लोग, मान लीजिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसा के लोग हैं और बात आपका नहीं मान रहे हैं तो आप उनके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। तो बोला कि देखिए संधि हुआ था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको बोलने का अधिकार मेरे क्षेत्र में नहीं है। तो बोला कि ऐसा क्यों बोले, कहाँ लिखित है कि संधि हुआ था तो हम आपको ये दे दिए हैं। और यहाँ ये बिस्मार्क बातों से पलट गया, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, कुछ भी करे, रोए हंसे गाएं, कुछ भी करके जर्मनी को एक करें, हमको किसी को धोखा भी देना हो ठीक है तो हम देने के लिए तैयार हैं, हम मतलब किसी तरह हम उसको एक कर दें ठीक है। तो यहाँ पे प्रसा के साथ बोला कि ठीक है तब हम लोग युद्ध करेंगे और जो जीतेगा उसी का बात रहेगा। तो ऑस्ट्रिया के साथ भी युद्ध हुआ 2 साल बाद। देखिए यहाँ पे डेनमार्क के साथ हुआ था 1864 में, इसके 2 साल के बाद यानी कि 1966 में ठीक है ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ, और ये सेडेवा एक जगह है, वहाँ पे युद्ध है जिसे हम लोग सेडेवा का युद्ध भी कहते हैं। और वहाँ पे सेडेवा का युद्ध होने के बाद से ऑस्ट्रिया का बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि उस समय प्रसा काफ़ी मजबूत हो चुका था और प्रसा के मजबूती के आगे ऑस्ट्रिया टिक नहीं पाया और बुरी तरह से वो हार गया। और फिर हारने के बाद से प्राग की संधि हुई, जिसमें हुआ क्या कि 22 गो जर्मन क्षेत्र जो था उसका, एक उत्तरी जर्मन क्षेत्र, उसको एगो संघ बना दिया गया। अब मान लीजिए कि डेनमार्क वाला झंझट खत्म, जो उसके क्षेत्र में था वो इसको मिल गया, ऑस्ट्रिया के कब्जा में जो जो भी था, यही एक नहीं था होलस्टीन, तो ये दोनों के बंटवारा में इसको मिला था, और भी जो ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में राज था, जब यहाँ से ऑस्ट्रिया हारा सेडेवा के युद्ध में तो ऑस्ट्रिया के कब्जा में जो भी राज था उस किसको हो गया, किसको मिल गया, प्रसा को मिल गया। और प्रसा को मिलने के बाद से 22 राज्यों का एक संघ बना, उत्तरी जर्मन संघ यहाँ पे बना, और 22 को अब वो थोड़ा सा और था कष्ट सहना, जर्मनी को एक करना, एगो और इसमें राजा था।
और एक बार और हुआ था, इसमें एक बात और हुआ था, हुआ क्या था कि ऑस्ट्रिया जब प्रसा के साथ युद्ध किया तो प्रसा बहुत चालाकी किया, उसने सबसे पहले वो रूस गया, ब्रिटेन गया और फ्रांस गया, तीनों से बोला कि देख भाई हमको, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रिया से लड़ाई करने, ये हम लोग का आपसी मामला है, इसमें प्लीज़ आप लोग इसमें बीच में दखलअंदाजी मत कीजिएगा, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना तो हम भी आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। ये बात तो उससे रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ये लोग मान गए, और मानने के बाद बोले ठीक है हम नहीं करेंगे, और तुमको ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट भी कर देंगे, तुम ऑस्ट्रिया को हराना है हराओ। और इस हिसाब से यहाँ ऑस्ट्रिया की हार हो गई, ठीक है। अब जब ऑस्ट्रिया की हार हो गई तो 22 वो राज्य एक मिल गया, अब और कुछ राज्य को एक करके पूरा का पूरा जर्मनी को एक कर दिया जाएगा, और एक करने के बाद से जर्मनी का एकीकरण पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन देखें कि जब 22 गो राज्य बच गया उसके बाद से फ्रांस के साथ उसको युद्ध करना पड़ा, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अब फिर प्रसा सोच रहा था कि हम फ्रांस के साथ युद्ध कैसे करेंगे, कोई ना कोई झगड़ा खोजने का उपाय चाहिए कि नहीं, डायरेक्ट अभी हमको साथ दिया है और उससे डायरेक्ट लड़ेंगे तो बड़ा गड़बड़ काम हो जाएगा। तो उसने फिर दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा सोचे कि कुछ ना कुछ क्लू फ्रांस, मतलब सबूत छोड़ा होगा जरूर, मैंने झगड़ा करने का एक वजह छोड़ा होगा जरूर। तो यहाँ छोड़ा क्या था, स्पेन के, स्पेन फ्रांस के कब्जे में था, और एक तरह से देखा जाए तो स्पेन के राजा माने बनने का अधिकार प्रसा के राजकुमार को ही होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक इसको सबूत मिल गया कि स्पेन का राजा कहाँ का बनना चाहिए, फ्रांस के लोग ही बनना चाहिए, और उसने जाकर के फ्रांस से बोला कि देखिए आप जो स्पेन पर राज कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे राज तो प्रसा का होना चाहिए, प्रसा के राजकुमार का, ये हम लोग के अंडर में आता है। प्रसा बोला कि ना ये तो आप गलत कह रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग तो अच्छा खासा संधि सब लोग किया था, और बताइए कितना आप गलत बोल रहे हैं कि फिर आप मेरे से मतलब अब झगड़ा आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो कई बार जा करके प्रसा उसको परेशान किया, आखिरकार फ्रांस युद्ध के लिए भड़क गया और वहाँ पे युद्ध के लिए तैयार हो गया, और फिर से, और उस समय प्रसा काफ़ी मजबूत हो चुका था क्योंकि उसको इतने राज्यों का, 22 राज्यों का सपोर्ट जो था, ठीक है। और वहाँ पे सेडान का युद्ध हुआ, किसके, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान का युद्ध हुआ, और इस सेडान के युद्ध में फ्रांस एकदम गुस्सा में गया और बुरी तरह से हार गया। और इस हिसाब से जब फ्रांस हार गया तो उस समय फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 में, सेडान के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हारा, और हारने के बाद से जो भी दक्षिणी क्षेत्र थे वो आ करके प्रसा में मिल गए, और इस तरह पूरा का पूरा प्रसा पर उसका राज हो गया, और इस तरह पूरा प्रसा का नाम बदल करके जर्मनी जो था जर्मनी रखा गया, और इस तरह जर्मनी का एकीकरण हो गया। जो भी राज्य बचे थे वो तीन युद्ध के बाद से एक हो गए और पूर्ण रूप से जर्मनी का एकीकरण हो गया। और इसमें सबसे बड़ी रोल बिस्मार्क, सबसे बड़ा रोल किसका था, बिस्मार्क का था, और विलियम प्रथम का तो धन्यवाद करना चाहिए, ठीक है, कि उन्होंने एक ऐसे प्रधानमंत्री को बनाया, ठीक है, जो कि काफ़ी समझदार था। वो अगर एक तरह से सोचे तो सिद्धांतवादी नहीं था कि हम ये काम नहीं करते हैं, उसको जहाँ जैसा ज़रूरत है वैसा वो काम करता था, अगर ज़रूरत पड़े किसी गरीब का पैर पकड़ के उससे काम निकल जाए तो वो काम करने के लिए तैयार था। और इस हिसाब से बिस्मार्क के वजह से विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो गया, और पूरा का पूरा जब जर्मनी एक हुआ तो उसका राजा विलियम प्रथम को बनाया गया था। तो ये पूरा का पूरा कहानी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो इसके लिए अब फिर, अब ये लेसन पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, और अब फिर अगले लेसन में मिलेंगे हम लोग, लेसन 2 जो है साम्यवाद और समाजवाद, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।